एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही है आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी जो स्थिति आज i.n.d.i.a गठबंधन की हो चुकी है, या मैं कहूं गठबंधन नहीं, ये तो एक ठगबंधन है, जो देश को ठगने का के मकसद के साथ एक साथ एकत्रित हुई है, और देश की जनता अब जान चुकी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि उनका पर्दाफाश 48 घंटे में होने वाला है। हमारा सदैव विश्वास था प्रधानमंत्री जी का, जो एक संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक विकसित नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व, और उनके नेतृत्व में जो भारत पिछले 10 वर्षों में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक विश्व पटल पर अग्रसर हुआ है, आज देश की जनता, 140 करोड़ जनता का विश्वास अगर एक व्यक्ति में है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। और आज वो स्पष्ट विश्वास का एक आकलन हमें एग्जिट पोल्स में देखने को मिला है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 4 तारीख तक हम इंतजार करें, एक ऐतिहासिक परचम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लहराएगी, और आने वाले समय का केवल 5 साल के एक निर्माण कार्य का एक मानचित्र केवल नहीं, लेकिन अमृतकाल से शताब्दी काल की सफर 2047 तक एक मानचित्र प्रधानमंत्री जी ने बनाया है देश को अग्रसर करने के लिए। हम 11वीं बड़ी आर्थिक शक्ति थे, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट कल के ही आंकड़े आपने देखे हैं, 8% दोबारा हम लोग पार कर चुके हैं, और आने वाले 2027 तक तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति पूरे विश्व में हम बनने जा रहे हैं। गठबंधन की हो चुकी है, या मैं कहूं गठबंधन नहीं, ये तो एक ठगबंधन है, जो देश को ठगने का के मकसद के साथ एकत्रित हुई है, और देश की जनता अब जान चुकी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि उनका पर्दाफाश 48 घंटे में होने वाला है। हमारा सदैव विश्वास था प्रधानमंत्री जी का, जो एक लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए, चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।